पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा में गोरखपुर वैश्य महासभा युवा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तस्वीर पर माल्यार्पण के पश्चात पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व मेयर सत्या पांडे आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वैश्य महासभा युवा के सचिव निखिल मोटानी ने कहा, भावभीनी अनिल कुमार जी, पहले से तैयारी हुई होती तो जो स्वतः स्फूर्त उत्साह समय व्यापारियों में दिख रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी बंधु थे जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर पाते और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाते। यह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक धन नेता होने का पर्याय है। पूरी दुनिया की राजनीति में, सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में और पूरी दुनिया के राजनेता इस बात को मानते हैं। शायद ही उनसे विशाल व्यक्तित्व के किसी भी महानतम राजनेता का जन्म महात्मा गांधी के बाद हुआ होगा। समाज के सभी वर्गों को जोड़ कर ले चलने की उनकी एक अद्भुत कला और उनकी सोच थी। हर भारत का नागरिक उनके दिल में था और भारत के हर नागरिक के दिल में वो थे। किसी प्रकार का निजी वैमनस्य और राजनीतिक वैमनस्य पैदा करना यह उनकी राजनीतिक सोच का हिस्सा नहीं था, और इसीलिए वो उनके राजनीतिक दल के सदस्य भी नहीं थे। वो अभी उनको बहुत अधिक प्रेम और सम्मान देते थे। निखिल मोटानी, ऐसे महासभा का महासचिव, आज हम लोग अटल जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये क्योंकि हमारे देश के महात्मा गांधी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूरे देश में क्या विदेश में भी भारत को एक नई पहचान दिलवाई है। ये भारत रत्न रहे हैं और ये राजनीतिज्ञ के अलावा एक महान पुरुष थे जिन्होंने पूरे देश को एक अलग तरीके की पहचान दिलवाई। ये राजनीति से परे थे, ये अटल थे, और नाम ही अटल है तो ये जीवन भर अटल रहेंगे।